बाहर चल रहा कोरोना का कहर है, बाहर चल रहा कोरोना का कहर है, हमारी पबजी भी हर घर घर है। चलो तो अब हाइलाइट्स के साथ शायरी बस हो गई, अभी थोड़ा गेम प्ले पे फोकस करते हैं। चलो तो अभी गेम पे फोकस करते हैं। लैंडिंग के बारे में बात करें तो हम अपने जॉनी भैया, अरे वो वाले जॉनी भैया ने अपने पबजी वाले जॉनी भैया जो हमारे साथ रेगुलर खेलते हैं, तो उनकी फेवरेट जगह है स्पोर्ट, वहाँ पर हमने लैंड तो किया, उसके साथ थोड़ी सी लूट कर लेते हैं। हमको स्टार्टिंग में मिली शॉट गन, ये वैसे हमारे पसंद की शॉट गन नहीं, फिर भी अभी कुछ नहीं तो वो ठग लेते हैं, और उसके साथ एक एम भी मिलती है। उधर से जॉनी भैया का आवाज़ देखो, जॉनी भैया बोलते हैं बंदे देख लो आप किधर उतरेगे, मतलब जॉनी भैया ने तो कर लिया हाथ ऊपर, अभी सब कुछ करना है तो हमको ही करना है, क्योंकि वो बीच बीच में एक अपना हमारा टीममेट था उसका नेट भी जा रहा था, तो हमको खेलना था तीन ही बंदों को। बिल्डिंग में लूट करके मैं तो निकला कंटेनर का, क्योंकि मेरे फेवरेट जगह है कंटेनर पे जाना, और कंटेनर पे जैसे मुझे थॉम्सन दिखती है तो मैं शॉटगन एक्सचेंज करके थॉम्सन ले लेता, क्योंकि थॉम्सन अगर एक्सटेंडेड लगता है तो क्लोज रेंज में बहुत बढ़िया है, अगर एक बार पाचा सामने स्टार्ट किया तो धड़ाधड़ा चारों बंदे फिनिश। यहाँ पर हम लूट कर रहे होते तभी मेरा एक टीममेट कॉल देता है कि मेरे पास बंदे आए, तो अगर बंदे आते हैं तो उनको मारना तो पड़ेगा ही, तो जैसे ही उसने कॉल दिया मैं जैसे उसके उधर भाग के निकला, तो जैसे निकला सामने से दो बंदे, दोनों बंदों को नॉक करता हूँ। एक गेम से देखो, गेम प्ले पे थोड़ा फोकस करो। और आपको पता है जैसे किधर फाइट चल रही था तो कोई बॉट ना बॉट बीच में आता ही रहता है, तो यहाँ पर दो बंदे उनके तो नॉक होते हैं, दूसरे दो बंदे किधर होते हैं वो तो पता नहीं होता, तो बाद में पता चलता है दो बंदे इधर नहीं थे, लेकिन जैसे हम इनको मारते हैं वो बग्गी पे चले आते हैं, तो बग्गी पे आते ही उनका जिस कैसे मर्डर होता है देखो एक बार। आए और उनकी पेटी, उनको टाइम ही नहीं दिया, डायरेक्ट पेटी, और चारों बंदे फिनिश हो जाते हैं इधर से। इधर चारों बंदों को पूरा के पूरा स्क्वाड को फिनिश करके उनकी पेटे अगर थोड़ा लूटते हैं, तभी उधर एक बॉट की फायर आती, अगर बॉट की फायर आए तो कौन फ्री का किल कौन छोड़ेगा, तो मैंने भी नहीं छोड़ा, चलो फिर एक स्क्वाड वाइप किया था, ये बॉट फ्री का किल करके पांच किल तो हो जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिज के उधर उस पार में एक फ्लेयर चली थी, तो हम निकले उन प्लेयर वालों को फिनिश करें, नहीं उससे पहले हमारे टीममेट ने इधर एक प्लेयर चला थी, तो सोचा देखो प्लेयर में क्या है, तो प्लेयर में ग्रोजर थी, तो ग्रोजर निकले तो चलो एक एम के जगह हम ले ही लेंगे। उसके बाद जैसे ही ग्रोजर लेते हैं हम उन पर डायरेक्ट पुश करते हैं ग्रोजर लेके, हमारा एक टीममेट भी कॉल देता है नदी के उस पर प्लेयर के दो ड्रॉप है, अगर दो ड्रॉप हो गए तो उधर एनिमी आएंगे, और बंदे तो बचे थे 12 मतलब हम भी चार थे, आठ ही बंदे बचे थे, तो लास्ट के पूरे फाइट उधर ही होने वाले, तो हमने तो किया डायरेक्टली पुश। जैसे हम वहाँ पर जाते एक बंदा बाहर ही होता उसको मैं पहले ही नॉक कर लेता हूँ, तो जैसे उसका टीममेट नॉक होता है दो बंदे अंदर से बाहर आने लगते हैं, तो उसमें से भी एक बंदा क्लोज आता है उसको मैं ग्रोजर से नॉक कर देता हूँ, फिर लास्ट बंदा बचता है, लास्ट बंदा भी ऑलमोस्ट ए देखो मेरी ग्रोजा मैंने स्विच कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि एमओ खत्म हो गया तो रिलोड पे जाएगी, तो मैं M4 से मारने लगी लेकिन M4 रिलोड पे चली गई, तो वो बंदा अंदर चला जाता है, तब तक मेरी भी हेल्थ कम हो गई थी, हेल्थ बढ़ाते हम और उसको ढूंढते देखो, लेकिन बंदा भी बहुत होशियार होता है, एक तो पहले दिखता नहीं और जैसे ही दिखता है वो गाड़ी लेके डायरेक्ट भाग ही जाता है, देखो वो तो भाग गया, गाड़ी को मैं पूरा डैमेज देता हूँ लेकिन फिर भी वो बच जाता है, तो उसको नॉक हुए थे उनको फिनिश करेंगे हम। ये देखो बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है और दो बंदे अपने नॉक पड़े उनको छोड़ के वो गाड़ी लेके भाग रहे थे, गाड़ी में तो मैंने स्प्रे बहुत दिया, उसके बाद गन स्विच करके भी स्प्रे दिया लेकिन थोड़े के लिए वो बच गए और भागने में कामयाब, अगला बंदा था वो तो भाग ही जाता है लास्ट में, तो उसके बाद हम थोड़ा आगे जाते क्योंकि हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, मतलब फोड़ी थी उन्होंने, तो मुझे उधर फायर का आवाज़ सुनाई देता है, तो फायर का आवाज़ सुनाई दिया तो हम तो निकले और सामने बंदे भी स्पॉट होते हैं,
जैसे बंदे स्पॉट हुए, एक बंदा लेटा हुआ था, तो मैं उस पर M4 का स्प्रे देता हूँ 3x से, लेकिन थोड़ा सा स्प्रे गलत होने की वजह से वो बच जाता है और कवर में चला जाता है। उसका टीममेट भी शार्क में दिख जाता है, उसको भी थोड़ा डैमेज देके फिर से वो भी बच जाता है। लेकिन थर्ड बंदा देखो, मुझे वो डैमेज दे रहा था लेकिन मैंने उसको फाइनली नॉक किया। तो जैसे ही वो नॉक होता है, देखो शार्क में एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ और एक बंदा एनिमी नॉक है, तो हम पुश के लिए रेडी होते हैं। तो मैं थोड़ा पेड़ का कवर लेके सोचता हूँ, थोड़ा मॉली से और नेर से उनको जलाता हूँ, देखते हैं। लेकिन उससे उस कुछ तो फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन शायद से थोड़ा बहुत हो जाता है। और फिर मैं डायरेक्टली पुश करता हूँ, क्लोजिंग कर लेता हूँ और क्लोज करके दो बंदों को फिनिश कर देता हूँ। अभी एक बंदा तो यहाँ पर नॉक था, बचे थे दो बंदे। तो मेरा जो नॉक था वो तो रिवाइव हो गया, लेकिन मुझे दूसरा बंदा था बचा हुआ, उसको मारा। और इधर तो हमारे 9 किल होते हैं, फिर हम थोड़ा इधर के दो ही बंदे बचे थे, फिर भी लूट कर लेते क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। कॉल लेता है कि जोन के बाहर से एक बंदा आ रहा है। जैसे बंदा दिखा तो अपने को तो चाहिए था किल, हम फायर देते, लेकिन वो समय को किल नहीं लेते अपना, क्योंकि शायद से उन्होंने लास्ट की गोली उनकी लगी। तो फिर से बचा बंदा सिर्फ एक, तो सोचा चलो अभी भी एक किल के लिए भी हम ट्राई करेंगे। लेकिन फिर से वही सीन होता है, एक किल वो भी समीरा को मिल जाता है, क्योंकि उनके पास होती है AWM से उन्होंने पेल लिया, उसके साथ एक चिकन डिनर। चलो भाई लोग, तो ये हमारे गेम प्ले हाइलाइट्स है, यहाँ से हम रेगुलर लाने का ट्राई करेंगे। और उसमें वॉइस ओवर का शायद से थोड़ा अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाने का ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।